नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एंटीना, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में। दोस्तों, अगर हम कभी कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो आपने ये तीनों के नाम तो सुने ही होंगे। अक्सर मोबाइल फ़ोन में ही देखा जाता था, पुराने मोबाइलों में भी ऊपर एंटीना लगा होता था, जैसे नोकिया के पुराने मोबाइल थे। आप देखते हैं ये मोबाइल के टावर्स लगे होते हैं, ये भी एक एंटीना है। तो ये सब कम्युनिकेशन को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे एंटीना दो टाइप के होते हैं, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होती है ट्रांसमीटर और एक होती है रिसीवर। ट्रांसमीटर कोई भी रेडियो पावर वेव्स को ट्रांसमिट करता है और जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि एंटीना जो होता है वो दोनों का काम कर लेता है, यानी वो ट्रांसमिट भी करता है इंफॉर्मेशन और रिसीव भी कर लेता है। तो आपने रेडियो स्टेशंस को देखा होगा, वो भी यही करती हैं। वो जैसे माइक्रोफोन लगा होता है तो वो अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड करती हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, उसके बाद एम्पलीफायर में जाके हाई फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीफाई होता है, फिर एक एंटीना से वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये एंटीना या कम्युनिकेशन कह लीजिए, कम्युनिकेशन तीन टाइप के होते हैं। एक लाइन ऑफ साई, यानी आप जैसे बताता हूँ, एक एंटीना आपके राइट साइड में है, एक आपके लेफ्ट साइड में। तो एक एंटीना दूसरे एंटीना के पैरेलल है और दूसरा एंटीना पहले एंटीना के पैरेलल है। तो ये लाइन ऑफ साई हुआ, यानी वो सीधे ही सीधे में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो अर्थ के कर्वेचर के थ्रू भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो पाता है। तीसरा होता है आइनो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो रात के समय आइनोस्फेयर में भेजे जाते हैं, और आइनोस्फेयर से वो रिफ्लेक्ट होते हैं और जो रिसीवर्स होते हैं, जो एंटीना होते हैं, वो उसको रिसीव कर लेते हैं। आपने सुना होगा जो पहले न्यूज़ेज आती थी बीबीसी और इन सब की, तो वो रात में बहुत फास्ट आती थी और उनकी क्लैरिटी भी अच्छी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उस समय कोई भी अनदर सिग्नल नहीं होता था एटमॉस्फेयर में, और रात के समय बस बीबीसी वाले जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसको आइनोस्फेयर में डालते थे और आइनोस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट कर देती थी। और कोई एटमॉस्फेयर में रेडिएशन तो था नहीं उस समय रात में, तो जो एंटीना थे वो उसको रिसीव कर लेते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।